आए दिन पत्रकारों पर हमले के मामले में काफी वृद्धि हुई है। इसके खिलाफ मुंबई में सामाजिक न्याय और विशेष सहायक विभाग के लोगों ने मुंबई पत्रकारों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया और कहा कि हम हमारे संगठन अब पत्रकारों के लिए लड़ेगी और उनके लिए काम करेगी। इस मौके पर जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद थे। जैसे कि हम बात करें तो इस सेमिनार में वरिष्ठ पत्रकार तुलसीदास बोईते भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि सरकार अपनी जगह सही काम कर रही है, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। अब सरकार हर एक पत्रकार के पीछे एक पुलिस को नहीं लगा सकता। मैं चाहे बदला हो, लेकिन सामाजिक भूमिका को ध्यान में रख के ही अपने उत्तरदायित्व को निभाने की कोशिश पत्रकारिता में होती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे प्रेजेंटेशन का तरीका या स्वरूप बदला हो, लेकिन फिर भी पत्रकारिता की जो आत्मा है वो सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने की होती है और हमें उसे ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर का 125वां जयंती वर्ष है। इस वर्ष में सभी को सामाजिक समता के लिए प्रयत्न करना चाहिए और उस भूमिका को लेकर अगर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि केवल जातिवाद जातीय व्यवस्था को लेकर सामाजिक न्याय नहीं होता है, तो इन दिनों जो बदला हुआ पूरा समाज का स्वरूप है उसको ध्यान में रखकर हमें हर स्तर को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, पत्रकारिता में जब हम इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं तो कुछ तत्व जो है वो स्वाभाविक रूप से उसे दुखी होकर पत्रकारिता को पत्रकारों को तकलीफ देने की कोशिश करना स्वाभाविक है। उसे हमें ध्यान में रखना, उस खतरे को ध्यान में रख के हम इस व्यवसाय में सक्रिय रहते हैं, तो आने वाले दिनों में भी इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एकजुट बनाए रखें और इंसाफ की लड़ाई में किसी भी तरह से, हालांकि एक पत्रकार को भी एक बात को ध्यान में रखना होगा कि ये इस तरह का व्यवसाय है जिसको हमें किसी व्रत की तरह निभाना है, उसमें कुछ ब्लैकमेलिंग और एक्सट्रॉशन जैसी कुछ गलत तत्व जो आते हैं उनको हमें इस पत्रकारिता से दूर रखना ही होगा, नहीं तो गलत तत्वों को पत्रकारिता की तरफ उंगली दिखाने का मौका मिलेगा।